तो बच्चों भी हमने अविकारी शब्द पढ़े और अब हम इसकी प्रश्नावली हल करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कहा है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। देखिए इसमें पहला प्रश्न है कि जिन शब्दों के रूप में विकार नहीं आता, जिन शब्दों के रूप में विकार नहीं आता उन्हें कहते हैं अविकारी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। पहला ऑप्शन ही दिए हुए अविकारी, दूसरा विकारी है और तीसरा संज्ञा है। तो पहला ऑप्शन अविकारी सही कर लीजिए। इस पे अविकारी ये सही ऑप्शन है आपका। दूसरा है, अविकारी शब्दों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अविकारी शब्दों को अव्यय के नाम से भी जानते हैं। व्यय और अपव्यय यहाँ दिया हुआ है, ये तो विलोम शब्द है, तो अव्यय के नाम से भी। दूसरे में कीजिए, ऑप्शन नंबर दो है जो अव्यय, सही का निशान लगाइए इस पे। तीसरा देखिए, अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं? तो अविकारी शब्दों के हमने कितने भेद पढ़े अभी? पांच भेद पढ़े, पांच। तीसरे पे सही निशान लगाइए। पांच चौथा प्रश्न देखिए कि क्रिया विशेषण किनकी विशेषता बताते हैं? क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? क्रिया शब्दों की, संज्ञा शब्दों की या सर्वनाम शब्दों की? किसकी बताते हैं? क्रिया शब्दों की। पहला ऑप्शन सही है, क्रिया शब्दों की। सही का निशान लगाइए इस पे। फिर अगला प्रश्न है कि दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं, तो दो शब्दों या वाक्यों को कौन जोड़ते हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक या संबंध बोधक? भाई आप भी दिमाग लगाओ अपना, किसको जोड़ते हैं? दो शब्द शब्दों या वाक्यों को कौन जोड़ता है? ऑप्शन नंबर टू, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक सही का निशान लगाइए इस पे। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण छांट कर लिखिए। अब ख, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण छांट कर लिखिए, छांट कर लिखिए। अब क्रिया विशेषण देखिए इसमें कि कछुआ धीरे धीरे चलता है। अब अगर हम क्रिया से पहले प्रश्न करें कि कैसे चलता है, तो उत्तर आता है धीरे धीरे। तो इसमें क्रिया विशेषण क्या है? धीरे धीरे, लिख लीजिए इसको अलग से। अब धीरे धीरे क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ये। यहाँ पर विशेषण के भेद नहीं लिखने हैं। वह यहाँ कल आएगा, कब आएगा? कल।
ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। फिर तीसरा देखिए, तुम उधर बैठो, कहाँ बैठो? उधर, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यहां कभी मत आना, अब यहां कभी मत आना, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? मत, ये निषेधवाचक क्रिया विशेषण हो गया। यहां कभी मत आना। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों से समुच्चय बोधक छांटकर लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों से समुच्चय बोधक छांट कर लिखिए। छांट कर लिखिए। पहला वाक्य देखिए कि माता जी ने कहा कि वह कल मंदिर नहीं जाएंगी। अब इसमें दो शब्दांशों को या वाक्यों को क्या जोड़ रहा है, कौन सा शब्द जोड़ रहा है? माता जी ने कहा कि, तो की लिखिए इसमें, कि यही समुच्चय बोधक शब्द है। दूसरा है किसान गरीब लेकिन ईमानदार है। अब इसमें कौन जोड़ रहा है? किसान गरीब लेकिन, लेकिन। फिर अगला देखिए कि शेर जंगल की ओर भाग गया, तो किसकी ओर? जंगल की ओर, की ओर, ये समुच्चय बोधक है। चिड़िया ने घोंसले में अंडे दिए, ये मैं। निम्नलिखित शब्दों से विस्मयादि बोधक शब्द छांट कर लिखिए। अब विस्मयादि बोधक शब्द तो मन के भाव प्रकट करते हैं और विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा होता है वहां पर। देखिए सबसे पहला है निम्न वाक्यों से विस्मयादि बोधक बोधक शब्द छांट रहे हैं। शब्द छांट कर लिखिए। पहला है कि शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया, तो पहला कौन सा है? शाबाश। दूसरा है हाय मैं तो बर्बाद हो गया, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह नजर आ रहा है आपको जहां पर हाय, और चिन्ह भी जरूर लगाएंगे। फिर तीसरा है छी कितनी गंदगी, तो तीसरे में छी और विस्मयादि बोधक का चिन्ह। बदबू आ रही है, तो इसमें और विस्मयादि बोधक का साइन लग जाएगा। ये आपके इतने प्रश्नावली के प्रश्न थे। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। अव्यय किसे कहते हैं? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर दीजिए।
पहला प्रश्न देखिए। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे अव्यय। उत्तर लिखिए। वाक्य में प्रयुक्त करने पर, वाक्य में प्रयुक्त करने पर जिन शब्दों के रूप में जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन वाक्य में प्रयुक्त करने पर जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन अर्थात अधिकार अर्थात विकार नहीं होता, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? प्रश्न दो है, अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? भेद होते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, अविकारी शब्दों के पांच भेद होते हैं, होते हैं। अविकारी शब्द पहला क्रिया विशेषण, पहला जो भेद है वो क्रिया विशेषण, दूसरा क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, संबंध बोधक तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक और पांचवा है निपात।
ये पांच वेद हैं इसके, अविकारी शब्द के पांच वेद, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमादि बोधक और निपात। अगला प्रश्न लिखेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय को उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न तीन, क्रिया विशेषण अव्यय को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर लिखेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया विशेषण अव्यय में लिखेंगे कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए उदाहरण, जैसे बालक जोर जोर से रोता है, बालक जोर जोर से रोता है, ये जोर जोर क्या है, क्रिया विशेषण। इसके क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब अगला प्रश्न लिखेंगे, रीतिवाचक और करणवाचक अव्ययों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न चार, रीतिवाचक और करणवाचक रीतिवाचक और कारणवाचक अव्ययों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे, रीतिवाचक अव्यय रीतिवाचक और करणवाचक कारणवाचक अव्यय में निम्नलिखित अंतर है। अंतर है तो बच्चों अब हम प्रश्न करेंगे, रीतिवाचक और कारणवाचक अव्ययों में क्या अंतर है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन उतार लीजिए और एक लाइन लिख लीजिए कि रीतिवाचक और कारणवाचक अव्यय में निम्नलिखित अंतर है, फिर इसके बाद अंतर स्पष्ट करिए।
ये लिखिए, एक तरफ हम रीतिवाचक डालेंगे और दूसरी तरफ रीतिवाचक अव्यय, और दूसरी तरफ बीच में लाइन खींच लेंगे, दूसरी तरफ यहां लिखेंगे कारणवाचक अव्यय। ठीक है, अब इनको हम स्पष्ट करेंगे कि रीतिवाचक अव्यय और कारणवाचक अव्यय में क्या अंतर है। अब देखिए, रीतिवाचक जिन क्रिया विशेषणों से किसी क्रिया के संपन्न होने की रीति का पता चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण में लिखेंगे कि जिन क्रिया विशेषण से जिन क्रिया विशेषण से जिन क्रिया विशेषण से किसी क्रिया के संपन्न होने की रीति का पता चलता है। रीति क्या होती है? विधि या ढंग। अब इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, विधि का, विधि का पता चलता है या पता चले उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए, इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण का एक उदाहरण भी देंगे कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण यहाँ कैसे है। जैसे देखिए, आप शीघ्र आइए, जैसे आप शीघ्र आइए, आप शीघ्र आइए, ये उदाहरण के माध्यम से ही हमें पता चलता है। अब जो शीघ्र है ये कैसे आइए, शीघ्र, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण दे सकते हैं हम कि घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। अब कैसे दौड़ता है घोड़ा? तेज, तो इस दौड़ने की विधि बता रहे हैं, तेज, तो इसलिए यहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब कारणवाचक अव्यय में लिखेंगे, लिखिए, अब जिन क्रिया विशेषण से किसी क्रिया के होने के कारणों का पता चले उन्हें कारणवाचक। अब इससे तो रीति का पता चल रहा है, विधि का, किस विधि से कार्य हो रहा है और उससे कि किस कारण से हो रहा है। लिखिए, जिन क्रिया विशेषण से जिन क्रिया विशेषण से किसी क्रिया के जिन क्रिया विशेषण से किसी क्रिया के होने के कारणों का पता चले, कारणों
का पता चले उसे कारणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए यही इसमें अंतर है कि इससे क्रिया विशेष जिन क्रिया विशेषण से किसी क्रिया के संपन्न होने की विधि या रीति का पता चले उसे उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, और जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया किसी क्रिया के होने के कारणों का पता चले उसे कारणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जैसे इसका उदाहरण लिखिए कि बच्चा कुत्ते के डर से भाग गया। बच्चा, अब कारण पता चल गया कि बच्चा कैसे भाग गया, कुत्ते के डर से, ये कारण हो गया। और ऐसे ही दूसरा लिखेंगे कि सर्दी के कारण उसका बुरा हाल है। सर्दी के कारण उसका बुरा हाल है। अब किसके कारण? सर्दी के कारण। ये कारण बता रहा है। जरूरी नहीं कि आप दो उदाहरण देकर इसको स्पष्ट करो, आप एक ही उदाहरण दे सकते हो, जरूरी नहीं आप दो उदाहरण दो। ऐसे ही आप दोनों का अंतर ऐसे लिख के अलग अलग स्पष्ट करेंगे। अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि रीतिवाचक अव्यय कारणवाचक अव्यय से क्यों अलग है, क्या अंतर है इसमें। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न करेंगे बच्चों। संबंध बोधक अव्यय समुच्चय बोधक अव्ययों से किस प्रकार भिन्न है, इसमें भी आपको अंतर स्पष्ट करना है, या आप लिख भी सकते हैं कि क्या अंतर है दोनों में। प्रश्न 5 लिखेंगे। संबंध बोधक अव्यय समुच्चय बोधक अव्ययों से किस प्रकार भिन्न है। देखिए वो भिन्न अलग इसमें भी क्या अंतर है, दोनों का अंतर ही बताना है कि संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय। तो उत्तर लिखेंगे, दोनों को अंतर स्पष्ट करते हुए लिखेंगे कि समुच्चय संबंध बोधक अव्यय में लिखिए संबंध बोधक अव्यय अब यही लिखेंगे कि संबंध बोधक अव्यय में जिन शब्दों द्वारा संज्ञा सर्वनाम तथा अन्य शब्दों से परस्पर उनका संबंधों का पता चलता है उसे संबंध बोधक कहते हैं। और समुच्चय बोधक क्या होते हैं कि वाक्य में जो जो शब्द दो पदों वाक्यों या वाक्यांशों को परस्पर जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। वाक्यों में लिखिए संबंध बोधक अव्ययों द्वारा संज्ञा सर्वनाम
संज्ञा, सर्वनाम, अथवा अन्य शब्दों से अन्य शब्दों से संबंधबोधक अव्ययों द्वारा संज्ञा सर्वनाम अथवा अन्य शब्दों से परस्पर परस्पर यानी आपस में संबंधों का पता चलता है जबकि अब ये स्पष्ट करेंगे कि क्यों भिन्न है। जबकि लिखेंगे कि जबकि जो शब्द दो पदों वाक्यों या वाक्यांशों को जबकि जो शब्द दो पदों वाक्यों या वाक्यांशों को परस्पर जोड़ते हैं उन्हें समुच्चयबोधक अव्यय कहा जाता है। ठीक है, अव्यय कहा जाता है। अब देखो बच्चों, इसमें आपने देखा कि संबंध बोधक अव्यय जो हैं वो संज्ञा सर्वनाम अथवा अन्य शब्दों से परस्पर संबंधों को जोड़ते हैं, इनसे संबंधों का पता चलता है। और समुच्चय बोधक से शब्द दो पदों वाक्यों या वाक्यांशों को परस्पर जोड़ते हैं। तो इतना इन दोनों में यही भिन्नता है। इसलिए इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार ये आपस में भिन्न है, भिन्न या अलग है। अब इसका उदाहरण भी दे सकते हैं हम कि जैसे संबंध बोधक अव्यय, जैसे उदाहरण लिखेंगे इसका और समुच्चय बोधक का उदाहरण अलग लिखेंगे। समुच्चय बोधक अव्यय, जैसे अब इनका एक एक उदाहरण लिख देंगे इसमें। जैसे लिखे समुच्चय बोधक में कि कपिल और संदीप सगे भाई हैं, सगे भाई हैं। और ऐसे ही संबंध बोधक का एक उदाहरण लिखेंगे कि राहुल के घर के निकट बाजार है, राहुल के घर के निकट बाजार है।
घर के निकट। और अब इस इन वाक्यों में क्या है जो राहुल का बाजार से संबंध बताते हैं? संबंध बोधक जो है वो राहुल का बाजार से संबंध बता रहे हैं। संबंध बोधक में अव्यय में राहुल का बाजार से संबंध घर पास होने से घर के निकट होने से घर के निकट होने से और समुच्चय बोधक में समुच्चय बोधक अव्यय में कपिल और संदीप को जोड़ रहे हैं। अव्यय में और शब्द कपिल और संदीप को जोड़ रहे हैं। परस्पर जोड़ रहे। तो ये आपको इसका अर्थ समझ में आया कुछ? इस प्रकार हम संबंध बोधक और समुच्चय बोधक की परिभाषा लिखकर उसके उदाहरण देकर स्पष्ट कर देंगे कि ये किस प्रकार इससे भिन्न है। तो बच्चों ये प्रश्न उत्तर आप याद कर लें और इनका प्रश्नावली का अभ्यास करें। धन्यवाद।